तो फील गेम फैमिली, आज का जो गेम प्ले है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक और मैंने अभी तक जितने भी गेम्स खेले ना उन सबसे बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज मैं कैट यानी कि बिल्ली बन के पूरा गेम खेलने वाला हूँ। तो मुझे याद नहीं कि कब मैंने इस टाइप का कोई गेम देखा था, ओपन वर्ल्ड टाइप का, ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा और उसमें बिल्ली बनाया गया हो, तो मुझे ऐसा कोई गेम याद नहीं आ रहा है। तो आज काफी मजा आने वाला है और मुझे इस गेम के बारे में इतना पता है भाई, कल ही रिलीज हुआ है ये गेम, स्ट्रे नाम है गेम का, और इसमें जो मेन कैट है ना वो अपने फैमिली या फिर फ्रेंड से अलग हो जाती है और उसको फिर उस फैमिली से मिलाना रहता है। तो चलो भाई आज का गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस गेम स्ट्रे के अंदर। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो भाई, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबा लो। स्टार्ट किया जाए इसको। अच्छा मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, कोई सुपर हीरो बिल्ली नहीं है, बिल्ली के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है भाई, एक नॉर्मल सी कैट है। इसलिए ये मत सोचना कि गेम के अंदर बिल्ली उड़ते हुए नजर आएगी या ऐसा कुछ पावर दिखाने वाली है, एक नॉर्मल सी बिल्ली, इतना मुझे पता है। हाँ गेम के अंदर कोई पावर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी जब स्टार्ट होगा तो एक नॉर्मल कैट से स्टार्ट होगा भाई। एक बिल्ली तो मुझे नजर आ गई, ये कुछ हलते हुए नजर आ रही है, कौन सी बिल्ली हूं मैं वेट कर रहा हूं भाई। तीसरी बिल्ली एक बैठी हुई नजर आ रही है, ब्लैक कैट है यार, काली बिल्ली। अच्छा ये पक्का मुझे लग रहा है मैं हूँ, सबसे लास्ट में जिस कैट का इंट्रोडक्शन हुआ है ना मुझे लग रहा है वो मैं हूँ। ओहो पक्का, ये पक्का मैं हूँ भाई। खेलने मिल रहा है। ओह तो फाइनली ऑफिशियली आपका भाई बिल्ली बन चुका है इस गेम के अंदर और दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना है मुझे, अभी तो फिलहाल यही करना है। तो बिल्लियाँ ऐसे ही खेलती हैं। अच्छा मैंने देखा है ऐसे कैट्स को खेलते हुए, मेरे नानी घर में बहुत सारी कैट्स थी तो वो इसी टाइप से खेलती है, मतलब लेट के ऐसे हाथ वाथ चलाना और उछल उछल के एक दूसरे को हाथ वाथ मारना। ये देखो एक और कैट, ये इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? लग तो रही है गर्लफ्रेंड है या ये खुद बिल्ला है कि बिल्ली, ये कुछ आइडिया नहीं है भाई, अपने से अंदाजा लगा लो। अब ये तीसरी कैट के पास भी जाना है आई थिंक, ये लोग सो रही है। अच्छा इसके पास भी जाना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, उछल उछल के खेलती ऐसी लेट के खेलती है, सो क्यूट। बहुत प्यारी बिल्ली बनाया है यार गेम के अंदर। अब ये बेचारी अलग हो जाएगी अपनी फैमिली या फ्रेंड से, इतना बस मुझे पता है इस गेम के बारे में। ये जो भी इसके परिवार है, दोस्त हैं, लेकिन सब साथ में रहती है ये चारों बिल्लियाँ। अब ये लोग अलग होने वाली हैं, ये बस जो मेन कैट है जो मैं बनूंगा वो अलग हो जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा गेम बनाया है, मैंने ट्रेलर देखा था इस गेम का और ट्रेलर में भी मुझे गेम अच्छा लग रहा था, पर कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रेलर अच्छा बनाया जाता है गेम का और गेम अच्छा नहीं होता है। पर चलो सो फार मैं इंप्रेस्ड हूँ भाई गेम से। ये ऐसा लग रहा है कि मैं एनिमेशन मूवी देख रहा हूँ, ये तितली आके उठा रही है। उठ जा चल, इस कैट का नाम मैं मैक्स रखने जा रहा हूँ। ऐसे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हो, लेकिन फिलहाल आज की गेम प्ले के लिए मैक्स नाम रख दिया है। तो मैक्स चल उड़ गया, बारिश भी रुक चुकी है, दिन भी हो चुका है, चलो बाकी सब बिल्ली भी उड़ जाओ, निकला जाए यहाँ से। यहाँ पे सोने का अच्छा इंतजाम करके रखा हुआ था नहीं, तो ये जो बिल्ली के उठने का स्टाइल था ना ये बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है गेम वालों ने, क्योंकि अगर आपने कभी बिल्ली पाली होगी तो आपको पता होगा बिल्ली उठने के बाद ऐसी अंगड़ाई लेती है। ये अलग कैसे होती है मुझे ये देखना है, इतना पता है कि अलग हो जाएंगी लेकिन ये अलग कैसे होंगी, कोई जानबूझ के अलग कर देता है या फिर ये कुछ हादसे की वजह से अलग हो जाती है, ये देखने लायक होगा। इनसाइड द वॉल, ये कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है, लेकिन नीचे इनसाइड द वॉल लिखा हुआ था, दीवार के अंदर। तो ये गेम का फर्स्ट चैप्टर है, अब यहाँ से एक्चुअल गेम स्टार्ट होगा। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो स्लो आपको गेम देखते मिलेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में सिखाया जाएगा कि कैट को किस तरह से कंट्रोल करना है और क्या क्या कर सकते हैं, मतलब एक कैट बनकर, तो वो सब बटन सभी सिखाया जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एंजॉय कर लो क्यूटनेस को, क्योंकि आगे जाकर ऐसे भी सारी क्यूटनेस तेल लेने जाने वाली है। वो ब्लैक कैट किधर गई, मुझे उसका टेंशन हो रहा है, उसको भगा दिया क्या अपने ग्रुप से, भाई चार का ग्रुप अच्छा लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये दोनों तो नजर आ ही रहे हैं। ये चलने में इतना मजा आता है ना, क्या बताऊं। ओ ये तो रही ब्लैक कैट को मैं खोज रहा था, ये देखो पीछे से आई, चलो सर्कल से मियाओ करूंगा। यही करना बाकी था, चलो ठीक है, मैं मियाओ कर रहा हूं तो मेरा सुन के सब मियाओ कर रही है। अच्छा मैं लीडर बन गया हूं, वाह जंप एक्स से, ओहो भाई अच्छा अच्छा डिस्टेंस जंप किया यार मैक्स ने, चलो ठीक है आगे आगे जंप करते हुए जाना है। अब ऑब्वियसली बिल्ली है तो मैप तो होगा नहीं। ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें क्या करना है, पेड़ को नोचना है क्या? वो एक कहावत नहीं है,
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो बस ऐसा ही कुछ मुझे नजर आ रहा था। ये नोचने का क्यों दिया था, इसका आगे कुछ काम हो सकता है। मैंने बोला ना कि अभी सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी जो भी सीख रहा हूँ ना उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे की गेम में वो पूरा काम आएगा। ये क्या है? अच्छा पानी पीना है, ठीक है। हेल्थ रीजनरेट नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हेल्थ बार दिया नहीं है, नॉर्मल सी बेचारी कैट है। इसमें से होके जाना है, गिरूंगा नहीं ना, नहीं गिरने का नहीं बनाया, चलो ठीक है, वरना ऐसे ऐसे पाइप से जाता है तो भाई गिरने का। मैंने बोला ना ये पक्का इसकी गर्लफ्रेंड लग रही है। बढ़ा जाए आगे, तू कहाँ इतना जल्दी जल्दी जा रही है। चलो अच्छा है, मेरे को पता रहेगा एक्चुअली जाना किधर है। कोई रास्ता दिखाने के लिए एक बिल्ली है, इसको बस अभी फॉलो करते रहना है। प्लेग टेल इनोसेंस के आखिर आखिर में मैं चूहों को सिर्फ थोड़े देर के लिए कंट्रोल करता था, यहाँ तो पूरा पूरा बिल्ली बन गया भाई। चूहे बिल्ली का खेल अब पूरा हुआ मेरा, अब जाके आज जाके पूरा हुआ है। चेन जंप्स एक्स दबा के रखना है, लगातार जंप करते रहेगी बिल्ली, ठीक है। ये भी सीख लिया। कहाँ जाना है? अच्छा नीचे उतर के इधर से जाना है, दोनों पाइप से नीचे उतर के जा सकते हैं। ब्लैक कैट मुझे भागते हुए नजर आ रही है, उसी को फॉलो करना है। एक कैट हमेशा मेरे से आगे रहती है ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं, ठीक है। अच्छा ही है, ये देखो ये इधर से गई, वो उधर से गई, मैं किधर से? अच्छा मैं इधर से जा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे पीछे रहना है इनके। अच्छा सॉरी गाइस, मैं बताना भूल गया, मैं खेल रहा हूँ ये गेम प्लेस्टेशन 5 पर, ऐसे ये गेम पीसी और एक्सबॉक्स पे भी आया हुआ है, तो आप उस पे भी खेल सकते हो। मोबाइल गेम नहीं है, गलती से भी कोई लिंक नहीं मांगेगा, क्योंकि मोबाइल गेम नहीं है भाई ये। अभी तक मुझे तो नहीं पता है कि मोबाइल गेम है या नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा मोबाइल गेम है ये। L2 दबाने से कैमरा आगे हो जाएगा, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकूंगा, कहाँ जाना है क्या करना है, या कुछ पढ़ना रहा तो। पढ़ेगी क्यों बिल्ली, लेकिन ठीक है, हो सकता है आगे पढ़ना भी पड़े भाई। क्या रिस्क लेके जा रही है बिल्ली सब। चलो स्टोरी दिखा रही हो भाई, ये अच्छी स्टोरी नहीं है, बिना कोई डायलॉग की स्टोरी है, ऐसे कुछ समझना मुश्किल नहीं होने वाला है। मैक्स जम क्या हो भाई, मेरे को लगा पता तो था ही कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अरे यार अफसोस लग रहा है देख के। गिर गई बेचारी नीचे, अब ये अलग हो गई है उन सबसे, बस इतना ही मुझे पता था, अब उससे मिलाना है। ये कहाँ जा रही है भाई, ये कितना नीचे आ गई कूड़े के ढेर में, ये पता नहीं क्या था, ये गटर के अंदर आई, ये किधर है, ये दूसरी बिल्ली की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से या फिर इसी की आवाज है। ओ वो सब बिल्लियां बुला रही हैं क्या ऊपर से, ये ठीक तरह से चल भी नहीं पा रही है, पैर में आई थिंक चोट लग गई है इसके, इतना ऊपर से गिरी है भाई, बेहोश हो गई फिर से। अब ये कोई आएगा उठाने, कोई नहीं आएगा उठाने, कोई क्यों आएगा उठाने, खुद ही से उठ के रिकवर होके जाना होगा और ऊपर जाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही नीचे आई ये बिल्ली, ये पूरा गेम ही इसी बात पे है कि उन सब के पास। ये क्या हो रहा है, ये अंडरग्राउंड रास्ते में ये क्या चलने लगा, ये देखो भाई साहब गटर के अंदर ये क्या इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ये गटर ही है। और ये क्या प्लास्टिक बैग से क्या निकला, चूहे थे भाई, ऐसे चूहे। वो डोर ऊपर गया और पता नहीं चूहे थे क्या था, वो अंदर चले गए, जो भी था चूहे जैसे लग रहे थे, लेकिन ऑरेंज चूहे क्यों थे, मतलब ये बिल्ली तो नॉर्मल टाइप की लग रही है, वो चूहे ऑरेंज क्यों रहेंगे, चूहे ही टाइप के थे। लेकिन वहीं जाना है, दौड़ने का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, पैर वैर सही हो गया, अब इसी के अंदर। अच्छा इसीलिए नाम था इनसाइड द वॉल, ये क्या पूरा शहर है इसके अंदर, और मैं सोच रहा था गटर है, मुझे लगा था भाई गटर है, वैसा ही दिख रहा था, नीचे आए तो पूरा एक शहर, डर्ट सिटी भाई। ये क्या है, ये क्या था, ये चूहे नहीं थे पक्का, ये लास्ट टाइम लग रहा था चूहे जैसे, ये पर बिल में घुस गए, ये चूहे नहीं थे लेकिन ये बिल में क्यों घुस गए, कैमरा मेरी तरफ देख रहा है भाई, ये अचानक से गेम में क्या होने लगा, ये इतना वियर्ड क्यों हो गया गेम। ये देखो ये पता नहीं क्या जीव है, डेड सिटी, ये क्या मरा हुआ है, रोबोट मरा हुआ था, ये एरो साइन मुझे रास्ता दिखा रहा है क्या,
लेकिन क्यों? और यहां पे कोई इंसान जैसा, ये क्या लिखा रहा है? हेलो, नहीं हेलो नहीं, हेल्प, मदद चाहिए किसी को, और एरो भी दिखाया, लेकिन किसको चाहिए मदद? बिल्ली से क्यों मदद चाहिए उसको? डेड सिटी भी नाम है भाई, जॉम्बी वॉम्बी आने वाले क्या इस गेम के अंदर? हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जॉम्बी से बिल्ली कैसे लड़ेगी? कैट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज़ नाम होता गेम का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक रोबोट्स आएंगे शायद। फॉलो मी, ये देख लो, एरो दिखा रहा है बिल्ली का साइन, यानी कि बिल्ली को बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो, किसी को मदद चाहिए, वही ये एरो साइंस दिखा रहा है और बुला रहा है अपनी तरफ। यहाँ खुद बिल्ली बेचारी को मदद चाहिए ऊपर जाने के लिए, अभी ये किसकी मदद कर रही है? बाल्टी को उठा के क्या पानी भरना है, क्या करना है इसके साथ? नहीं, पानी वानी नहीं भरना है, चलो ठीक है, बाल्टी मिल गई मुझे, आगे कुछ ना कुछ काम आएगी। ये मशीन को रोकने में काम आएगी क्या? फेंक के देखता हूं। ओ भाई, चलाक बिल्ली, बिल्ली ओपी। अब ये क्या है? इसका भी कुछ करना होगा, पेंट है, ये नीचे गिर रहा है पेंट इसे, लेकिन इतने इतने पेंट्स क्यों रखे हुए हैं? मैं गिरा के देख रहा हूं भाई, देखो हिट एंड ट्रायल गेम है, क्योंकि कुछ बताया नहीं जा रहा है कि करना क्या है, बस एरो ने बोला फॉलो मी। पेंट्स यहां पे दिए क्यों थे जब इसका कोई काम नहीं था? तेल लेने गए पेंट्स। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन पेंट्स गिराने से कुछ होगा क्या? कोई रास्ता क्लियर होगा मेरा? दिया है तो कुछ तो काम होगा, ऐसे फालतू का तो नहीं दिया होगा। सारे पेंट्स मैंने गिरा दिए, लेकिन मेरा रास्ता आगे जाने का क्लियर नहीं हुआ है। कैमरा मुझे देख रहा है, कैमरा मुझे देखे जा रहा है, ये जो भी है मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, वो कैमरे से मुझे देख रहा है, इधर जाना है, ठीक है, सही जा रहा हूं, आई होप सही जा रहा हूं। ये पेंट बॉक्स, ये नीचे गिर, अच्छा इससे कुछ होगा, गिर जा, ये देखो सारे पेंट्स गिरा है, लेकिन असली में इसको गिराना था, बाकी सबको नहीं गिराना था। फॉलो मी, फॉलो ही कर रहा हूं भाई, पता नहीं कौन है क्या है, पेंट अच्छा गिर के पूरा फैल भी गया, ये सही है, ये पता नहीं किसके घर में बुलाया, पानी भी रखा हुआ है और पानी ऊपर से चू रहा है इसमें कप के अंदर, और एरो उधर जाने बोल रहा है, पता नहीं कौन है भाई जो फॉलो करवा रहा है अपने आप को। बाल्टी के अंदर बैठना है हाँ सही में, अच्छा वाह, ये सब लगा के रखा था लगता है बिल्ली के लिए, बाल्टी नहीं होती मैं नीचे कैसे आता? ये पता नहीं क्या है, ये चूहे तो नहीं है, लेकिन जो भी ये मुझे देख के भाग जा रहे हैं तो अच्छी बात है, डरा करो, ये रोबोट मरा हुआ है सामने और उसको चूहे पता नहीं क्या कर रहे थे, ओए डरा दिया मेरे को, ये मरा हुआ रोबोट, तेरे को मदद चाहिए थी क्या? नहीं, एक पंजा मारने से मर गया, कैसा रोबोट था? बिल्ली उठाने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, इसको मदद नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिसको भी मदद चाहिए वो ये नियॉन साइन की मदद लेके मुझे बुलाया जा रहा है अपने तरफ। ऊपर एरो किया यानी कि ऊपर ही जाना है, ठीक है सही जा रहा हूं ना मैं? अच्छा आगे बढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा, अब कोई नियॉन साइन भी मुझे नहीं दिख रहा है, अच्छा हुआ स्टोरी दिखा रही है यानी कि सही जा रहा हूं मैं। ओहो हो, सब जाग गए, अच्छा ये लोग रास्ता दिखाएंगे क्या मुझे आगे जाने का? अरे नहीं, ये तो पीछे हट रही है बिल्ली, और अटैकिंग और भागने दोनों के मूड में लग रही है। ओ भागना है क्या इनसे? अरे इतने इतने सारे भाई, ये तो अटैक करने लगे, ये तो डर के भाग रहे थे मेरे से, जब तक एक दो थे डर के भाग रहे थे, अरे साइड से निकलने दो, और अभी इतने सारे हो गए तो मतलब शेर बन गए, कूद कूद की क्या घूम घूम के कूद रहे मेरे ऊपर और भरे हुए पूरे शहर में। अरे हट, ये लोग और मेरे ऊपर चढ़ गए भाई, मारने वाले थे मुझे, धत्तेरे की डेंजरस चीज है यार ये, पता नहीं क्या है। अरे हट जाओ नलायको, म्यूजिक भी इतना सॉलिड दे रहा है ना, अरे निकलने दो यहां से, निकलने दो, जिगजैग करके भागना होगा मुझे। एरो उधर दिखा रहा है भाई, जिसने भी मदद मांगी चारों तरफ से घेर लिया था, बस बस ऑलमोस्ट मरने ही वाला था मैं, बच गया। अरे उतर, यानी कि मरने से पहले लाल स्क्रीन हो जाए यानी कि मरने वाला हूं मैं, हेल्थ कम हो गई है। कहां से बिल से निकलने लगे सब अचानक से, पर कोई बात नहीं, सबको पार करते हुए खिड़की के अंदर जाओ, तुम सब तेल लेने, जान बचा के बिल्ली अंदर आ चुकी है, देखो कान खुजा रही है इतने खतरनाक चीज के बाद खुद को कान खुजा के शाबाशी दी है भाई बिल्ली ने। फॉलो मी, उधर जाना है,
म्याओ करना है मुझे। म्याओ करने से ये ग्लिच क्यों करने लगा टीवी? ये बिल्ली का म्याओ टीवी का ग्लिच ये क्या है? नीचे से तो होके जाना बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये एरो लेकिन आगे की तरफ जाके नीचे दिखा रहा है, क्योंकि नीचे वो चूहे वो पता नहीं जो भी है, अभी फिलहाल के लिए मान के चलो चूहे ही है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है चूहों का। चूहे अगर जॉम्बी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक चूहे तो ऐसे ही दिखेंगे। इस बिल्ली की मदद करनी चाहिए थी ऊपर जाने में, तो पता नहीं मैं ही किसकी मदद कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। ये गारंटीड कोई रोबोट है जो मदद मांग रहा है, देख लेना अभी आगे जा। अच्छा इसको गिराना है नीचे। दोनों पैर पे खड़े होकर भाई इसको गिराया है रास्ता बनाने के लिए, बहुत सही। एरो दिख रहा है, ये दिल की धड़कन क्यों सुनाई दे रही है मुझे? फिर आने वाला है क्या वो सब? घर के अंदर एटलीस्ट अभी तक तो नहीं नजर आए, तो घर के अंदर जाने में फायदा है कि वो सब नजर नहीं आएंगे। इसको क्या करना है? अच्छा इसको धक्का देके उधर लगाना है। वाह गेम वालों ने भाई नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी बनाई है, मतलब ऐसे ऐसे चल के इसको रोल करके उस साइड लगा के छज्जे के ऊपर जाना है, यही करना है ना? यहां तक मुझे लग रहा है यही करना है। म्याओ की, अच्छा म्याओ करने से ये लाइट जली। मैं म्याओ बोल रहा था, वो जो मुझे फॉलो कर रहा है वो लाइट जला दे रहा है मेरे म्याओ करने से। जाना ऊपर ही है, नीचे नहीं मैक्स ऊपर जाना है। हाँ ठीक है, कैमरा मुझे फॉलो कर रहा है, जो भी अपने तक पहुंचाना चाहता है वो कैमरे के थ्रू मुझे देख रहा है कि मैं सही से आ रहा हूं या नहीं। एटलीस्ट वॉर्न कर दे भाई जो भी है, क्या आगे ऐसे खोखार चूहे हैं या पता नहीं जो भी है, वॉर्न कर दे कम से कम। कैमरा में देख रहा है तो कुछ साइन दिखा के वॉर्न कर दे मुझे, अलार्म बजा दे, कुछ तो कर ही सकता है। इलेक्ट्रो, ओ ये नीचे गिर रहा है, मुझे लगा मैं नीचे गया, मैंने कोई गलती की, लेकिन नहीं गलती नहीं की थी, ये टूटना ही था। अच्छा म्याओ कर रहा हूं ना, तो ये एरो मतलब बन जा रहा है कि इधर जाना है। अगर मैं भटक जाऊं गेम में और म्याओ करूं तो वो एरो बता देगा, मेरे म्याओ बोलने से उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे मदद चाहिए कि किधर जाना है। चलो बढ़िया है भाई, जब भी म्याओ कर रहा हूं तो देखो एरो साइन जल जा रहा है, एरो उस साइड दिखा रहा है, लेकिन उस साइड जाऊं कैसे? उतना दूर तो जंप नहीं करेगी ऑब्वियसली। अच्छा इसको धक्का देना ऊपर जाके, ठीक है फिर से वैसा प्लैंक दिख गया मुझे, उसको जाके धक्का देना और उससे चढ़ते हुए जाना है। चलो समझ में आ गया, बिल्ली वाले गेम में भी इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन चलो अच्छा ही है। एरो साइन ने जाने इधर ही बोला था, लेकिन इधर के बाद किधर भाई? कोई तो रास्ता दिखा, ऐसे सामने दिख रहा मुझे जाने का, लेकिन बता देता कंफर्म करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे कोई नियॉन साइन है नहीं यहाँ पे। हाँ लाइट जल रही है, यानी कि इस साइड से जाना है, नियॉन साइन नहीं था ना इसलिए। ओहो भाई खतरनाक तरीके से दिखाया लाइट जला के, नहीं बढ़िया, एक तरह से मतलब लाइट से रास्ता बना रहा है मेरा। ये जो इतना दिमाग लगा के अपने तक बुलाया है जिसने भी मुझे, वो है कौन अब तो ये देखना है। कोई इंसान ही लग रहा है, इतनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, पक्का कोई इंसान ही है। साइकिल रखी हुई यहाँ पे, ये भी चलाना नहीं, नहीं नहीं चलाना नहीं है, ठीक है। किधर को जाना है भाई? लाइट से रास्ता बना रहा है, बहुत बढ़िया, बताते जा बस मुझे, मैं फॉलो किए जा रहा हूँ। पता नहीं दोस्त के पास जा रहा हूँ दुश्मन के पास जा रहा हूँ, लेकिन बिल्ली बस बेचारी फॉलो किए जा रही है, ट्रस्ट कर लिया बिल्ली ने जो भी ये एरो साइन दिखा रहा है या लाइट्स दिखा रहा है उस पे। सीढ़ी से तो चढ़ के जाएगी नहीं, कैसे जाऊं आगे? नियॉन साइन, ओहो इसके अंदर जाना है, यही आना था। अब वो मशीन है उसको रोकने के लिए बाल्टी चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ी बाल्टी, उस ये छोटा वाला ये क्या है? पावर सप्लाई, इसको खींचने से रुक जाता है, याद रखना बिल्ली पता नहीं बहुत ही भाई पावर सप्लाई खींच लिया बिल्ली ने। भाई बिल्लियां शातिर होती है मैंने सुना था, लेकिन ये तो मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल ही दिखाया जा रहा है। पावर सप्लाई खींच लिया, द फ्लैट नाम है इसका, ठीक है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ द फ्लैट। ये आगे बिग स्क्रीन नजर आ रहा है मेरे को। ये कारपेट नोचने का ऑप्शन आया क्यों था? ये मतलब जानबूझ के थोड़ा मतलब बिल्ली वाला फील दे रहे हैं कि बिल्ली वाली सब हरकत करते रहो। वहां स्क्रीन पे देखो नीड हेल्प लिखा हुआ है, किसको मदद? अच्छा कीबोर्ड पे ये क्या क्या टाइप कर दिया मैंने। अच्छा इस पे रिस्पॉन्स भी आ गया, डेटा करप्टेड नीड हेल्प, ठीक है मैंने भी कुछ कुछ पता नहीं क्या लिख के भेजा है, मुझे भी आइडिया नहीं है। बॉडी रिक्वायर्ड फॉर डाउनलोड, इसको बॉडी चाहिए डाउनलोड करने के लिए, इसका जो भी डेटा है। इंटर द डोर, इस डोर के अंदर घुसना है और एक बॉडी चाहिए, ये जो मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा ठीक है, इस डोर के अंदर जाना है और एक बॉडी ढूंढना है जिसमें ये अपना डेटा डाउनलोड कर पाए।
ये कैमरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे फॉलो करवा रहा था, ये जो भी कर रहा था कोई एआई कर रहा था, ये बिग कंप्यूटर में बॉडी बनेगी उसकी, चार पावर सप्लाई वाला लगा हुआ है, यानी कि मुझे चार पावर सप्लाई ढूंढना है इसके लिए, तब ये कंप्यूटर चालू होगा। ये क्या है अब यही सब? ओ एक पावर सप्लाई मिल गया मुझे, तो यहाँ पे चार पावर सप्लाई लगाना है जिसमें से एक मिल गया मेरे को, तब ये बड़ा वाला कंप्यूटर चालू होगा और एक बॉडी बनाएगा जिससे एआई जो भी अपना डेटा है उसमें डाउनलोड कर पाएगा। कंप्यूटर के अंदर एक और पावर सप्लाई मिल गया, दो हो गया, दो और बाकी है। इसी रूम के अंदर दो और पावर सप्लाई होने चाहिए। ये जब इतनी मदद की थी एआई ने तो बता भी देता कि पावर सप्लाई कहाँ कहाँ रखा हुआ है, मुझे ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखने दो। अच्छा ऊपर एक और पावर सप्लाई मिल गया मुझे, कैमरा उधर मुंह करके दिखा नहीं सकता था कि पावर सप्लाई इधर है। यही एआई अब मदद करेगा इस बिल्ली की शहर से बाहर निकलने में, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी चलो अभी पहले इसको बना लेते हैं उसके बाद देखते हैं। तीन हो गए, एक और चाहिए, खोज रहा हूं मैं एक और किधर हो सकता है। एक और मिल गया, चलो फाइनल मिल गया है, इधर है। ठीक है काम हो गया भाई, मैक्स नाउ यू कैन रिलैक्स, काम हो गया भाई अपना, कंप्यूटर चालू हो गया है। ये क्या? अच्छा एक सीक्रेट डोर, कितने सीक्रेट डोर है भाई यहां पे। अंदर देखो पता नहीं ये क्या रोबोट मरा हुआ है, वो क्या है, बिल्ली का साइन यहाँ पे बना हुआ पूरे टीवी पर, यानी किसी रूम में आना था मेरे को। ये क्या लगाया हुआ है? ये वीआर जैसा नहीं लग रहा था। वीआर पता है ना, वर्चुअल रियलिटी एक डिवाइस आता है, तो ये वीआर ये क्यों पहना हुआ था रोबोट? ये घर है किसका? रोबोट्स का घर है, बिल्ली का साइन। अच्छा इस बॉक्स में कुछ है, नीचे गिराना था, इसमें से कुछ गिरा, बॉक्स में से निकल के आया कुछ, ये क्या है? अब ये जो भी है इसको ले जाता हूँ भाई कंप्यूटर के पास और देखता हूँ कि क्या होता है। वहीं पे इसका बॉडी बनेगा एआई का, जहाँ ये अपना डेटा डाउनलोड कर पाएगा। लो भाई बनाओ इसकी बॉडी बनाओ, लो डेटा डाउनलोड कर ले भाई, अपलोडिंग लिखा गया है, सारा डेटा जा रहा है इस डिवाइस के अंदर। मेरी मदद कर चल अब ऊपर जाने में, तेरी मदद की ना बिल्ली ने, ये तो हवा में उड़ने लगा। अरे मुझे लगा हवा में उड़ेगा। ये क्या हुआ, बनने से पहले ही खत्म? B12 एंटीना, ओ हवा में उड़ रहा है, अरे वाह भाई, थ्रस्टर लगे हुए इसके अंदर। बस यही देखना बाकी रह गया था, ये बिल्ली को देख रहा है, मदद की तेरी, याद रखना B12 डिवाइस का नाम, इसका नाम पता नहीं क्या है। बिल्ली के सामने कुछ भी ऐसा रखोगे ना वो हाथ से मार के एक बार चेक करेगी और पीछे भी हट जाती है एक्चुअल लाइफ में। ये देखो मार रही है कि मतलब पुचकार रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो लुक दे रहा है मेरे को, मदद करेगा या नहीं करेगा? ये क्या बोला, क्वेश्चन मार्क डैश डैश, ओह बात भी कर रहा है, आजाद हो गया इसलिए थैंक यू बोल रहा है मेरे को। ठीक है बोल रहा है कि जब कैमरा में मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कैट डर्ट सिटी में क्या कर रही है। अपना नाम बताने जा रहा था लेकिन ये गजनी हो चुका है भाई, इसकी मेमोरी करप्टेड हो गई है, नाम याद नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि मैं बहुत टाइम से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के अंदर ट्रैप था लेकिन अब आजाद हो गया हूँ। भाई अल्ट्रॉन मत बन जाना, ये एक साइंटिस्ट के लिए काम करता था, अभी के लिए मैं इसको B12 बुला सकता हूँ क्योंकि इसके डिवाइस पे लिखा हुआ है। इसका नाम कहीं जार्विस तो नहीं है? बिल्ली की तारीफ कर रहा है। चलो ठीक है यहाँ से निकलते हैं, इसको फॉलो करूं मैं, उड़ते हुए एआई को अब फॉलो करना है। ये देखो क्या कर रहा है, अच्छा चाबी दिखा रहा है, की से डोर खुलेगा इतना याद है इसको, मुझे ला के देगा चाबी, लेकिन कैसे उठाएगा ये चाबी मुझे ये देखना है। स्क्वायर से टेक कीज, ये स्कैन करके ये अपने अंदर रख लिया चाबी, वाह बैटरी लो हो गई। अरे भाई ये टेंशन देने वाला आगे जाकर, ये बैटरी लो होते रहेगा, बार बार इसको चार्ज करना होगा। क्या पुट करना है, मैं नहीं पहन रहा वो, ये क्या पहना रहा? अरे ये क्या पहना दिया भाई, बैठ गया, ये चार्जर मेरे को पावर बैंक समझ के रखा है इसने, मुझे पावर बैंक पहना दिया भाई चार्ज करने के लिए। मैक्स चल नहीं पा रहा है। कैसे चल रहा है भाई ये बैकपैक बनाया गया था इसी टाइप के छोटे एनिमल के लिए, तो तू मजे ले रहा है बड़े। मैक्स ने मियाओ करके बोला है कि बहुत दिक्कत हो रही है पहनने में, बोल रहा है कि आदत पड़ जाएगी। ठीक है चलो यकीन कर लिया मैंने, इसने की को डिजिटल बना के बैकपैक में रख दिया है। अच्छा ये बैकपैक यानी कि मेरा इन्वेंटोरी का काम करेगा, सारे सामान मैं रख सकूंगा इसके अंदर, कोई भी सामान इसको दिखा सकता हूं मैं। इसने ये भी बोला कि दूसरों को भी मैं सामान दिखा सकता हूं, लेकिन दूसरा तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है इसके सिवाय। यूज कर की,
ये डोर का आवाज भूत वाली मूवी की तरह हुआ है। टॉर्च लाइट, ये मेरा फ्लैश लाइट भी है। अरे वाह, मैं इसका पावर बैंक, ये मेरा फ्लैश लाइट है। कोड मुझे पता नहीं, कोड पता है तेरे को? इसको भी नहीं पता है। वाह, 4 डिजिट का कोड है भाई, उसको ढूंढना होगा पहले। लाइट जला, बहुत अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है कुछ, कोड मिल गया मुझे, 3748, यही है ना कोड? तो यही लिखा हुआ है, 3748 मिल गया कोड। आई थिंक यही होना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है यही है ना, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, कोड टाइप कर भाई, मुझे ही करना है एक्चुअली, 3748 खुल गया, एक्सेप्ट कर लिया है कोड। ये सब अब करते चलना होगा। एआई अपना दोस्त है, फ्लैट से निकल गए, लेकिन ऊपर जाने का क्या करेंगे अपन? हाँ बहुत अच्छी जगह है, B12 एलिवेटर इंपॉर्टेंट है, ऊपर ही तो जाना है, वही तो करना है। ठीक है, इस बाल्टी में बैठ के पहले नीचे जाना होगा, वो जो एलिवेटर उसको लेना होगा जाके, लोकेशन बहुत ही मस्त है। नहीं चलो नीचे चलते, वो चूहे जैसे नजर आ ही रहे हैं मुझे, भर भर के चिपके हुए वॉल से, वही सब है ना? हाँ वही सब है। चलो ठीक है, भागना हो सकता है, भागना पड़े। अच्छा इन्होंने पूरा एक नेस्ट बना के रखा हुआ है, ये रेसिडेंट इविल जैसा हर जगह नेस्ट क्यों? ये क्या है वॉल पे पेंटिंग? ये पेंटिंग मेरी मेमोरी के अंदर भी थी पता है मैंने। ये देखो, ये ग्लिच टाइप का मेमोरी है, लेकिन ये वैसा ही लग रहा है पेंटिंग जैसा। ये B12 की मेमोरी के अंदर थी ये पेंटिंग, इसको याद आ रहा है बाहर की, द आउटसाइड यानी कि बाहर। B12 को ऐसा लग रहा है कि ये पहले वहां जा चुका है, पूछ रहा है बिल्ली से कि तुम वहीं से आई हो क्या? बिल्ली तो वहीं से आई है बाहरी से। तो B12 ने किसी को प्रॉमिस किया था कि ये बाहर जाएगा, लेकिन किसको प्रॉमिस किया था? तो ये जो दीवार पे पेंटिंग बनी हुई, ये पोस्ट कार्ड से बनी है पेंटिंग, और ये पोस्ट कार्ड किसी लोकेशन का है जहां B12 को जाना है, और ये बिल्ली भी वहीं से आई है, यानी कि यहां से बाहर से। B12 सोच रहा है कि मेरे अंदर ये सब मेमोरीज आई कहां से। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बाद में सोचना तू। एक अच्छा, इसका पूरा एक मेमोरी है, परसेंटेज 3% की मेमोरी इसकी आ गई है। इसकी पूरी मेमोरी आ जाएगी तो मुझे लगता है ये बाहर ले जाएगा मुझे, कि ये कैसे गया था बाहर, क्योंकि ये बाहर जा चुका है। आई थिंक साइंटिस्ट के साथ बाहर गया होगा, या पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी इस पॉइंट पे। मैं कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगा गेम पे, क्योंकि मुझे शॉक कर रहा है गेम। अब बाल्टी से नीचे जाना है। ओहो, ये सब उछलने लगे देख के मुझे। इन सबको मारने का कुछ इंतजाम होना चाहिए। ये देखो उछल के आया था मेरी तरफ, जान दे दी अपनी। अब वो सब पीछे पड़ेंगे, भागो जल्दी यहां से। अरे भागो यहां से, चेस फिर चालू हो जाएगा। जल्दी यहां से कटो, ये तो अच्छा है ये लोग इतने ऊपर नहीं आ सकते हैं। झाड़ू दे रहा है कोई, रोबोट है आई थिंक। द स्लम्स, ये रोबोट्स की बस्ती है क्या? क्योंकि रोबोट झाड़ू देते हुए नजर आ रहा है मुझे। मुंह में टीवी लगा हुआ इसकी, या पता नहीं क्या है, जो भी स्क्रीन है। ये देख के डर क्यों रहा है? अलार्म बजा दिया इसने, ये डर क्यों गया बिल्ली को देख के? बंद कर दिया। अरे वो डरपोक बिल्ली है, रोबोट से पहले बिल्ली नहीं देखी है क्या कभी? हो सकता है नहीं देखी हो, लेकिन ऐसे डरने की क्या बात थी? ये तो आतंक मचा दिया बिल्ली ने। अरे ये देखो भाई, सब देख के डर डर के भाग रहे हैं, सब घर में जाके दुबक जा रहे हैं। वाह, अरे भाई भागा नहीं जा रहा था उससे, लेकिन वो फिर भी भागा। अब ये कौन है? ओहो, इसे फाइट करना है क्या? ये हाथ में डंडा वंडा लेके खड़ा हुआ है, ये देखो गिरते पड़ते हुए भाग रहा है। अरे बिल्ली है, इतना क्या डर रहा है? बुला रहा उसको, आजा आजा भाई, मरेगा वरना तू भी। ये देखो डंडा लेके खड़ा हुआ है, सबको ये अंदर कर रहा है। ओह, ये सबके आई थिंक लीडर है। बिल्ली को देख के सबने रेड अलर्ट जारी कर दिया भाई, और ये अब लड़ने भी आ रहा है। अब लड़ूंगा कैसे इससे मैं? अच्छा बैठ गया, ये बात करना चाह रहा है। इतनी मासूम बिल्ली, इसका आंख क्यों चमका ऐसा? बिल्ली का भाई कुछ शक्ति आने वाली है क्या? मैंने बोला था स्टार्टिंग में, नहीं नहीं इससे बात करना है, ठीक है, मीट मिलना इससे। अब ये क्या बोल रहा है? ये कौन सी लैंग्वेज है? मुझे नहीं समझ आ रहा है भाई। हाँ ठीक है, इनकी खुद की लैंग्वेज है, B12 ट्रांसलेट कर। जर्क नहीं हूं मैं, जर्क क्या? अच्छा वो चूहे, आई थिंक वो जर्क है, ये बिल्ली को नहीं पहचानता है। ये सारे रोबोट्स का गार्डियन है, इनके विलेज में मेरा स्वागत है, बस मैं किसी को खाऊं नहीं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, रोबोट खाने में कोई शौक नहीं, बिल्ली को नॉट इंटरेस्टेड, दूध पिला देना बस। चलो ठीक है, रेड अलर्ट ऑफ तो कर दे भाई। ओहो अनाउंस कर दिया है, ये अनाउंस कर रहा होगा अपने लैंग्वेज में कि डरने की कोई बात नहीं, एक बिल्ली थी नालायको, डर के भाग गया सबके सब, रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब सब दुकानें खुल रही है।
भाई डर गए थे। ओह धीरे धीरे अभी भी डर ही मैं, थोड़े थोड़े यकीन नहीं हो रहा है कि ये बिल्ली खा नहीं जाए। टर्मिनेटर वाले रोबोट्स अगर ये मूवी देखते ना, शर्म से डूब मरते कहीं। चिट्टी रोबोट अगर देख लेता ना, इन रोबोट्स को कूट के मारता। बिल्ली देख के डर गए रोबोट्स। अच्छा B12 ने बोला था कि मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ किसी को भी, तो इसको बाहर की फोटो दिखा के पूछता हूँ कि बाहर कैसे जाना है अपने को, मुझे क्या चाहिए। हाँ फोटो दिखाओ भाई, इसको दिखा सकता हूँ मैं इसको फोटो, देख बाहर की फोटो देखी। ये खुश नहीं हुआ, क्यों? एलिवेटर काम नहीं कर रहा है और सब जानते हैं कि इम्पॉसिबल है यहाँ से निकलना, एक्सेप्ट द आउटसाइडर्स। अब ये आउटसाइडर्स कौन है? सारे आउटसाइडर्स चले गए लेकिन एक है बचा हुआ जिसका नाम मोमो है, उससे जाके मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन उसने भी उम्मीद छोड़ दी है बाहर जाने की। ऊपर बिल्डिंग में रहता है, नियॉन ऑरेंज नियॉन साइन बना होगा, यहाँ इसके अंदर रहता है, ठीक है? तो उस बिल्डिंग में जाकर मोमो से बात करनी होगी, वो बताएगा कि बाहर कैसे जाना है। B12 से मैं हेल्प मांग सकता हूँ? अच्छा मतलब जैसे मैं अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाऊ ना तो B12 मुझे याद दिलाएगा, जैसे अभी याद दिला रहा है कि गार्डियन ने बोला कि मोमो से जाके बात करो और वो बिल्डिंग में रहता है, तो वो बताएगा कि बाहर कैसे जाना है। तो आउटसाइडर्स सिर्फ बाहर जाना चाहते थे, बाकी रोबोट्स बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आउटसाइडर्स सब चले गए यहाँ से पता नहीं कहाँ, और उसमें से सिर्फ एक बच गया जिसका नाम मोमो है, जो कि सामने बिल्डिंग में रहता है। ये रोबोट्स क्या कर रहे हैं? ये लोग काम भी कर रहे हैं। अच्छा एक दूसरे को कुछ फेंक के दे रहे हैं दो रोबोट्स। भाई मस्त, बहुत अच्छा, फ्यूचर की दुनिया कुछ ऐसी नजर आने वाली है। रोबोट्स काम करेंगे, वो भी आदमी लोग की तरह काम कर रहे हैं। पेंट बॉक्सेस, अच्छा वो जो स्टार्टिंग में एक रोबोट आराम कर रहा है कसम से, बस अब यही सब देखना। ये देखो गद्दा बिछा के आराम कर रहा है। ओए क्या कर रहा है भाई तू? सर्कल लाइट्स देख के अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको असली आसमान देखना एक दिन। अच्छा ये तो नकली आसमान है भाई, ये दुनिया ही नकली है, ये एक अंडरग्राउंड दुनिया है जो कि एक नकली दुनिया है, जहाँ पे ये बिल्ली आ चुकी है और बाहर जाने का सपना सब देख रहे हैं सारे रोबोट्स, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता, सबको डर लगता है बाहर जाने में, सबको ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल है बाहर जाना। लेकिन चलो ठीक है, मोमो बताएगा कि बाहर कैसे जाना है। ये मोमो, मोमो अपना टीवी ठीक कर रहा है। मोमो इधर ध्यान दे। अच्छा इंसान का पेंटिंग बना हुआ है वॉल पे, यानी कि यहाँ पहले कोई इंसान रहता था, तो सारे इंसान गए कहाँ? ये रोबोट्स बनाया होगा तो इंसान ही ने ना बनाया होगा, लेकिन सारे इंसान है कहाँ? इसका टीवी काम नहीं कर रहा है, ये बेचारा उदास हो गया है, वो इमोजी नहीं आता है मुंह नीचे करने वाला, सैड इमोजी वैसे ही इसका फेस बन गया है, इससे बात करना होगा जाके। मोमो, मोमो बोल रहा है ये कभी काम नहीं करेगा। क्या काम नहीं करेगा? ये बोल रहा है कि इन सबको मैंने जाने क्यों दिया, मैं अब अकेला रह गया हूँ, अब मुझसे बात कर रहा है। बाहर कैसे जाना है ये बता। हाँ जाना है बाहर, जाना है। बोल रहा है कि बाहर जाने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो, अकेलापन और निराशा मिलेगी सिर्फ। इसके दोस्त भी ऐसा सपना देखते थे और वो लोग चले गए और ये अब अकेला रह गया है। तो इसके दोस्त मर गए क्या? इसको भी नहीं पता इसके दोस्त कहाँ गए, और उनसे ये कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका ट्रांसीवर काम नहीं कर रहा है। इसके और इसके दोस्तों ने नोट्स बना के रखे थे कि बाहर कैसे जाना है, इसने अपना नोट मुझे दे दिया है, मोमोज नोटबुक। इसने बोला है कि तुम अपने से समझो, मुझे बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। बहुत सैड है बेचारा। तो मोमो के नोटबुक में लिखा हुआ है कि बाहर किसी भी तरह जाना है, अपने ब्रदर्स सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है और जर्ग से दूर रहना है। चार दोस्तों ने इसको साइन किया है, इसके बाकी के तीन दोस्त। तो B12 बोल रहा है कि बाकी के नोटबुक को ढूंढना होगा, ताकि सारे रिसर्च को अगर एक साइड पे रखेंगे ना तो शायद समझ में आए कि बाहर कैसे जाना है। अच्छा ये मोमो के नोटबुक में सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी मुझे, कि इसके नोटबुक में लिखा होता है कि सारे ब्रदर्स सिस्टर्स को बचाना है, यानी कि रोबोट में भी भाई ब्रदर्स सिस्टर्स होते हैं, देख रहे हो प्यार कितना है आपस में, तो ऐसा ही होना चाहिए। रेडियो भी रखा है मोमो ने, फ्रिज भी है। भाई तू खाता तो नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है पढ़ना, ये क्या है? बैक होम, B12 ने इसको स्कैन किया, क्या पता चला B12 क्या है ये? बैक होम टू, ये एक वीडियो गेम है, B12 को याद आ रहा है, जब B12 को बनाया गया तो उसके तुरंत बाद ये वीडियो गेम आया था। ये और इसका साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया था, वो दोनों ये वीडियो गेम खेलते थे, बहुत मजा आता था इसको, बस इसको नाम याद नहीं आ रहा है उस साइंटिस्ट का जिसने इसको बनाया है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और बाकी की तीन नोटबुक ढूंढते हैं। मोमो ने तो बताया नहीं कि बाकी की तीन नोटबुक कहाँ मिलेंगे, कैसे ढूंढा जाए। जो सिंबल बना हुआ है ना वॉल पे, अच्छा ये सिंबल जहां पे दिखेंगे यानी कि नोटबुक भी वहीं मिलेगा। ठीक है ये एक लीड है, इसको फॉलो करना है। सिंबल जो बना हुआ था वो अजीब टाइप का जो भी है, ब्लू सिंबल, वो उसको याद रखना है और उसको फॉलो करना है। तीन सिंबल होने चाहिए क्योंकि तीन नोटबुक अपने को ढूंढना है भाई। तो इस गेम का पूरा मकसद है बाहर जाना, लेकिन बाहर जाने के लिए एलिवेटर को ठीक करना होगा
और जर्क्स से दूर रहना होगा, क्योंकि जर्क्स ने अगर पकड़ लिया तो याद है ना क्या किया था लास्ट टाइम। ऐसे ऐसे तीन नोटबुक और ढूंढने होंगे अपने को, एक पहला तो इसके अंदर है ये कंफर्म लग रहा है, और बाकी तीन और ढूंढने होंगे। तो ये नोटबुक के ऊपर यही सिंबल बना हुआ था, उससे B12 ने अंदाजा लगाया कि ऐसे सिंबल जहां भी होंगे वहां नोटबुक मिलेगा। लेकिन अभी यहां कहां खोजू भाई, B12 बुक ढूंढने में मदद नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद दिलाएगा फिलहाल के लिए। अभी खोजना मुझे ही पड़ेगा, इतनी इतनी बुक से भाई कहां खोजू। अच्छा दिख गया, ऊपर रखा हुआ, हाँ ले ले भाई। दो बुक्स मिल गए, दो और बचे हुए हैं। तो ये मोमो के दोस्त क्लेमेंटाइन की किताब है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऊपर के लोग से उसने बात की है, और ऊपर लेवल के लोग एक मिड टाउन नाम के शहर में रहते हैं, जिसको एक ऑपरेसिव फोर्स कंट्रोल कर रही है उस मिड टाउन नाम के शहर को। क्लेमेंटाइन का ट्रांसीवर खराब हो गया था, इसलिए वो आगे की बात नहीं कर पाया। और साथ में उसने ये भी लिखा था कि उसने मोमो की आंखें देखी है और मोमो आने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। तो मोमो को देख रहे हो ना, अभी जाने के लिए तैयार नहीं है, और उसको अफसोस है इस बात का मोमो को कि उसने अपने दोस्तों को क्यों जाने दिया। अब वो अकेला रह गया है, और उसके दोस्त उसको ऐसा लग रहा है कि मर गए या भुला गए या पता नहीं कहाँ है अब। तो ये बाकी का दो और नोटबुक ढूंढूंगा ना, तो उससे और क्लियर होगा कि ये आउटसाइडर्स क्या कर रहे थे बाहर जाने के लिए। फिलहाल यहाँ से निकला जाए, नीचे जाने का है, ऊपर ही चलता हूँ क्योंकि ऊपर से मुझे साइंस भी देखना है ना, कि वो जो ब्लू टाइप का जो भी साइन था, वो सिम्बॉल था जो भी था, उसको देखना है। ये क्या है अब, मतलब इसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकालेगा भाई तू, ऐसा मत करे यार प्लीज। निकल भी गया बिना पैसे डाले, पैसे डालने के बाद निकलता था। B12 भी कमाल है, एनर्जी ड्रिंक को भी डिजिटल कर दिया भाई, इसको मतलब वर्चुअली मिलाएगा क्या मुझे। एक तो भाई साहब आराम ही किए जा रहे, कितना आराम करेगा, कुछ तो काम कर ले। रोबोट्स में भी यानी कि आलसी लोग होते हैं, अब इन दोनों को देखो कब उससे मेहनत किए जा रहे हैं, इनका काम ही नहीं खत्म हो रहा है। और कितने सारे पेंट्स बॉक्सेस है भाई। एक और नोटबुक सामने वाले घर के अंदर है, क्योंकि वहां पे साइन बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जाऊं कैसे। अच्छा ऊपर से जाने का कुछ होगा, ये मशीन इसको बंद करना होगा, पावर सप्लाई या फिर बाल्टी। पावर सप्लाई मिल गया मुझे, ट्रांसलेट कर भाई क्या है, पावर सप्लाई लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं भी पढ़ता तब भी मैं इसको अरे लगाना नहीं, निकालना है, थोड़ा दूर जाके ड्रॉप करना होगा। चलो ठीक है, अब अंदर जा सकते हैं। एक बुक इसके अंदर मिलेगी, तीसरी किताब होगी ये। कहां अब किताब, इतना छोटा सा अपार्टमेंट, ये बॉक्स की तरफ और तो कहीं मुझे किताब दिख रही नहीं भाई। ये क्या, अच्छा बॉक्स के अंदर है, कसम से यार ये गेम ना हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग काम करवाता है। बॉक्स के अंदर है पक्का, ये बॉक्स खोलने का ऑप्शन दे रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं ये तो पैक बॉक्सेस हैं, फिर भी हटा हटा के देख लिया, बॉक्स के अंदर नहीं भाई। ओ एक और लेयर है बॉक्स का, वहां पर भी हो सकता है, पहले सब देखने दो मुझे। नहीं है, इन सब के अंदर नहीं है, सामने वाला एक और दिख रहा है मुझे, चार पांच बॉक्सेस उसके अंदर हो सकता है, और भी बॉक्सेस है। वाह इसको गिराया कैसे जाए, धक्का मारना होगा। हाँ चलो ठीक है, मिल गया आई थिंक, मिल गया। इसके नीचे है ये रहा किताब। ओ भाई क्या क्या करना पड़ेगा, ड्रग्स को छोड़ के सारी ऑर्गेनिक लाइफ खत्म हो चुकी है इस दुनिया से। तो नोट्स में ना एक तरह से दर्द बयान है, जिसने भी लिखा है मोमो के दोस्त ने, कि एक तो शहर में बंद है, ऊपर से ये जर्क्स ऑलमोस्ट हर चीज को खा लेते हैं और बहुत ही तेजी से बढ़े जा रहे हैं। तो मतलब उनकी तादाद भी बढ़े जा रही है और वो हर चीज को खा लेते हैं, रोबोट्स इंसान बिल्ली जो भी मिले उनको, बस उनको खाने से मतलब है। तो ये जर्क्स यहाँ आए कैसे, तो वही बेचारा रोते हुए लिखा है कि एक तो शहर में बंद है, ऊपर से ये जर्क्स भी पीछे पड़ गए हैं। अब तीन नोटबुक अपने हाथ आ गई, एक और ढूंढना है, दो साइंस मुझे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन किसमें जाना होगा। तुम लोग आज पेंटिंग नहीं खत्म होने वाला है भाई, तुम लोग काम करते रहो, ये खत्म नहीं होगा तुम लोग का। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, सामने एक साइन दिख रहा है, वहां मैं जा चुका हूं ना, यहां तक मुझे लग रहा है वहां मैं जा चुका हूं, कंफ्यूज करो भाई। इस पे चला गया था आई होप, हाँ इसमें जा चुका हूं मैं, सामने वाले वो जो ब्लू लाइट वहां दिख रही है, शायद वहां जाके एक बार ट्राई करता हूं, क्योंकि यहां तो मुझे पक्का लग रहा है कि मैं चला गया हूं, स्टार्टिंग में इधर ही गया था। ये सब हाँ मिल गया, एक और साइन मिल गया मेरे को, बताओ मैं उधर ढूंढ रहा था, सामने दिख गया मुझे भाई, चौथा नोटबुक वहीं होगा। इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर जाना था, नीचे नहीं बैठना है मैक्स, ऊपर ऊपर, अरे फिर इधर बैठ गया भाई तू, क्या कर रहा है ऊपर। हाँ चल भाई, ये क्या है, टीवी का रिमोट रखा हुआ है, इतना बड़ा रिमोट, या बिल्ली छोटी होगी,
ये देखो रिमोट पे मार, ओ टीवी चालू कर दिया। देखने दो भाई टीवी पे क्या चल रहा है, सूर्यवंशम आ रहा है क्या? रुको फोकस करने दो। नहीं ये कुछ रोबोट्स की मूवी है, ये पता नहीं क्या है। जॉइन नाउ लिखा हुआ था, थोड़ा सा मुझे उतना तो नजर आया। अभी सोचो तो इसके अंदर भी सूर्यवंशम चलते रहता, कैसा लगता आपको? मैक्स की तो मतलब कहानी है, मैं इस मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्ली मैक्स की नहीं, मैं सेट मैक्स की बात कर रहा हूँ भाई, उसकी कहानी है सूर्यवंशम। बस ये तो पूरी एक लाइब्रेरी, इसके अंदर कैसे किताब ढूंढूंगा? किताब गिरा गिरा के चेक करना होगा कि किताब को। ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं भाई, पूरी लाइब्रेरी में एक, ये क्या सिर्फ सेफ के अंदर किताब है, लेकिन सेफ की नहीं है मेरे पास। दूसरे की नोटबुक दिखाने से खुलेगा क्या? नहीं, की चाहिए मेरे को, की नहीं है मेरे पास इस सेफ की। देखो खोजो B12, कोई आइडिया देना यार, बस तू ऑब्जेक्टिव्स बताते रहता है, आइडिया कभी नहीं देता है B12, कैसे कर लो वैसे कर लो। ये क्या ट्रांसलेट कर, चल भाई। उस सेफ की चाबी मिल गई है जिसके अंदर डॉग की किताब रखी हुई है, सेफ को छुपा के रखा था जानबूझ के किताबों के पीछे, चाबी तो मुझे मिली गई है, तो चलो फिर चल के खोला जाए। सेफ भी दिखी गया है, आ जा B12, चौथी किताब मिलेगी, उसके बाद देखते हैं बाहर कैसे जाना है। वो लोग भी तो बाहर गए ना, बाकी के तीन दोस्त। सेफ खोल, खुल जा सिम, किताब मिल गई, चलो काम हो गया अपना, ऑब्जेक्टिव खत्म। डॉक नाम था जिसकी भी ये किताब है, इसमें क्या लिखा हुआ है? जर्क्स के खिलाफ वेपन बनाया, ओ भाई, लेकिन ये है कहाँ? अरे अटेम्प्ट किया तो फट गया था वो उसका वेपन, वेपन मिलता ना मजा आ जाता। एक और नोट है, अच्छा इसको पता चल गया कि ट्रांसीवर को ठीक कैसे करना है, ये नोट ले जाके मोमो को दिखाना होगा, वो अपर लेवल से जाके बात कर पाएगा ट्रांसीवर को ठीक करने के बाद। ठीक है चलो उसको दिखाया जाए, चारों नोटबुक, मोमो ठीक कर सकता है ट्रांसीवर, और अपर लेवल से बात कर पाएगा और अपने दोस्तों को भी ढूंढ पाएगा शायद कि उसके दोस्त कहाँ गए। मोमो वही ऑरेंज साइन में था ना, अचानक तक मुझे याद आ रहा है, हाँ ऑरेंज साइनी में था। तो अपर लेवल में कौन लोग रहते हैं? यहाँ तो चलो मतलब ठीक है रोबोट्स रह रहे हैं अंडरग्राउंड सिटी में, लेकिन अपर लेवल में कौन लोग हैं? अब वो भी एक मतलब देखने लायक चीज़ होगा। नहीं यहाँ पे रोबोट से ऊपर पता नहीं क्या होगा, वहां पे इंसान होंगे या वहां पर भी रोबोट्स ही हैं। मोमो ले भाई, तारीख किताबें ढूंढ लिए कैट ने, ये ले एक एक करके इसको नोटबुक दिखाना होगा। देख भाई बाकी की तीन किताबें इसको दिखाता हूँ और देखता हूँ ये क्या बोलता है। अच्छा लड़की थी क्लेमेंटाइन, वो बहुत ब्रेव थी, तो ये नाम अजीब टाइप का है, जेबल टैजर इसका दोस्त था, इसकी बातें उसको समझ में नहीं आती थी, लेकिन बोल रहा है कि काफी तेज था वो। सारे दोस्तों की किताब ढूंढ लिए भाई, खुश हो गया। अपने तीनों दोस्तों को बोल रहा है कि मैं बाहर जाने का रास्ता ढूंढ के रहूंगा और मोमो मुझे भी ऊपर जाने में मदद करेगा, थैंक यू भाई। अच्छा ये टीवी नहीं था, ये ट्रांसीवर था इसका, जो स्टार्टिंग में ठीक नहीं कर रहा था, मुझे लगा टीवी ठीक कर रहा है, लेकिन अब इसको ठीक करने का रास्ता इसको मिल गया है, ट्रांसीवर ठीक कर रहा है, कर ले भाई, और ऊपर जाने का रास्ता जल्दी बता। इसने ठीक कर लिया है तो अब ऊपर जाने का, अच्छा मैं इसके साथ आऊं, ऊपर जाने का रास्ता बताएगा। फाइनली लगता है मैक्स अपने दोस्तों से मिल पाएगा, बॉल इसे खेल सकता है। वाह खिड़की खोल दिया इसने, ठीक है यहां से कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही, बाहर निकल के देखना हो कौन सी बिल्डिंग है। अगर ऊपर जाके टावर में ट्रांसीवर इंस्टॉल कर देता हूँ तो ये पूरे शहर से बात कर पाएगा और इसके दोस्त जहां भी हैं उससे ये बात करके ऊपर कैसे जाना है ये बता देगा मुझे भी। अच्छा मैं बहुत छोटा और क्विक हूँ इसलिए मैं जर्क्स को अवॉइड कर सकता हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता, यानी कि बिल्ली के सिवा। ठीक है ऊपर जाना होगा वो पीले टावर में, ओह भाई जर्क्स वहां पूरे फैले हुए होंगे, क्योंकि अगर ट्रांसीवर लगाना वहां पे इतना आसान होता तो ये लोग नहीं चले जाते, अभी तक नहीं गए, यानी कि ऑब्वियसली वहां पे बहुत ही हैवी खतरा है, तो मैक्स सारे खतरे को सामना करेगा। अच्छा मोमो के भी तीन दोस्त भुला गए हैं और बिल्ली के भी तीन दोस्त भुला गए हैं, रूफ टॉप्स और जग सामने नजर आ रहे हैं, देखा क्या? नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, अभी देखते मिलेंगे, टावर बहुत ही ज्यादा ऊपर है। ठीक है आने लगे मेरी तरफ आ रहे हैं, उछल के आने, अच्छा मियाओ करने से अट्रैक्ट होंगे एनिमीज और मेरी तरफ आ जाएंगे, और जब ये इधर आएंगे मैं यहां से कल्टी हो जाऊंगा, मतलब इनको बेवकूफ बनाना काफी आसान है। ठीक है ये अच्छा है, इसको एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। वो जर्क्स इतने ऊपर तो उछल के नहीं आ सकते जहां तक मुझे लग रहा है, देखो हाँ नीचे ही बेचारे वेट कर रहे हैं मेरा, तेल लेने जाओ तुम सब, पूरा नेस्ट है इनका यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे भर भर के आने वाले हैं, कल्टी हो जाओ, आइए देख लो, हो पूरा क्लियर है, आ जाओ आ जाओ, म्याऊ करने से इधर आएंगे मैं भागूंगा,
जैसे ही कूदेंगे मेरे ऊपर जंप, और रुकना नहीं है। ओ हो, पकड़ ही लिया था मुझे। इस पे तो वहीं पहुंच जाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना है एक्चुअली, जाना यहाँ नहीं है। हाँ जाना उधर ही है, इन सबको आने दो इधर, कूद, उधर ही जाना है ना। हाँ एक सेकंड के लिए सोचने का टाइम नहीं देंगे, क्योंकि देखते हो ना, दो तीन अगर मेरे ऊपर जंप कर गए तो मर जाऊंगा मैं। डर मत मैक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई नहीं है फिलहाल। ये क्या है, ये मेमोरी है, B12 स्कैन कर ले इसको, देख इससे कुछ याद आता है। B12 मेरा सस्ता गजनी है भाई, याददाश्त भूल गया अपनी। शहर में पहले इतनी लाइट्स नहीं थी, स्लम्स में खास करके इतनी एनर्जी नहीं दी जाती थी, पर जो भी यहाँ इंसान रहते थे उनसे हमेशा अंधेरा बर्दाश्त नहीं होता था। और एक दिन किसी ने क्या किया कि रेनबो लैंप्स लगाए और पूरे नियॉन साइंस में लाइट लगा दी। जिसने ऐसा किया ना, उस आदमी को अथॉरिटी उठा के यहाँ से ले गई, लेकिन उसको देखकर बाकी सब भी उम्मीद में आ गए और सबने लाइट्स लगानी स्टार्ट कर दी। और जो भी इन सबको दबाते थे ना, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। बाहर में जैसी लाइट्स होती थी, तो यहाँ पर भी लोग लाइट्स देखने लगे उस तरह से। तो क्योंकि ये अंडरग्राउंड सिटी है, तो यहाँ पे 24 घंटे लाइट की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट तो आ रही नहीं है, ना दिन की लाइट ना रात की लाइट। तो अगर यहाँ पे लाइट ऑफ करने का मतलब है कि टोटल अंधेरा हो जाएगा, किसी तरह की कोई रोशनी नहीं दिन में भी और रात में भी। तो यहाँ पर भी जो गरीब लोग थे, तो जो भी अमीर लोग होंगे जहां तक मुझे लग रहा है, वो इन सबको लाइट्स लेने से रोकते होंगे। यहाँ पर जो भी लोग रहते होंगे ना रोबोट से पहले, उनकी ये सब कहानी है। तो ये धीरे धीरे पता चल रही है भाई, देखो कितना पता चलती है गेम के एंड होते होते तक। फिलहाल इसके ऊपर जाना है, टावर के अभी तक करीब नहीं पहुंचे भाई अपन, टावर दूर है अच्छा खासा, और बहुत सारे जर्क्स रास्ते में मिलने वाले हैं। तो चलो बस आगे निकलते रहना है किसी तरह। ये गजनी को याद आ जाता ना सब कुछ, तो अभी पता चल जाता कि क्या हुआ था यहाँ पे। लेकिन गेम का फॉर्मेट होगा कि गेम जब तक आप आगे पूरा खेल नहीं लेते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। सामने डोर लॉक लग रहा है मेरे को, इसको खोल सकता है B12। ओके जग्स आ गए कूद कूद के। अच्छा ये इतना दूर कूद नहीं सकते, तो ये मेरे लिए अच्छा है। हैक डोर कर सकता हूँ मैं, डोर को हैक कर सकता हूँ, ठीक है। B12 हैक कर, और इससे ये खुलेगा, मैं इधर भाग के इनको लॉक कर दूंगा, ठीक है मैं समझ गया। लेकिन पहले हाँ ये सब इधर आ गए ना, देखो मुझे देखो, खाने की कोशिश करो और इधर ही रहना। उस साइड में जाऊंगा तो ये लोग अटैक कर देंगे। एक काम करता हूँ ना, इनको पूरा अंदर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, मैं कूद के उधर चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ सारे, अंदर आ जाओ, मैं भागा, रुकना मत, जल्दी जल्दी उधर से। हाँ अपने आप बंद हो गए, चल बढ़िया ही है, ठीक है। अब अटके रहो तुम सब, इसको रोल करके ले जाना उधर ना। इन सब का मुंह देखना एक बार बनता है, कैसे दिख रही है क्या एलियन है, पता नहीं क्या है, जो भी है इनके बारे में पता चलेगा कि आए कहां से, और सारे इंसान कहां चले गए, सबको खा गया ये जर्क्स जो है, सबको खा गया, पता नहीं क्या हुआ, ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ एक तरह से यहाँ पे, जर्क्स आउटब्रेक जो भी है। नेस्ट है इन सबका, और धीरे धीरे इनके नेस्ट में और अंदर जाते जा रहे भाई अपन, यानी खतरा और बढ़ते जा रहा है। टावर के भी करीब पहुंच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये नीचे इतना लाल लाल क्यों है, पूरा टावर को घेर के रखा हुआ है, इसीलिए तो टावर के पास कोई रोबोट नहीं आता था। तो रोबोट भी चलते फिरते, रोबोट को भी खा जाते हैं, ये लोग को फर्क नहीं पड़ता है, रोबोट हो इंसान हो जो भी हो, बस चल रहा है खा लो, चलो ऊपर चला जाए, इसको नीचे करना होगा, ठीक है। सामने रास्ता दिख रहा है और अंदर, हाँ यहां तो भर भर के होंगे जर्क्स, ठीक है मुझे पूरा यकीन है भाई। भागने के लिए मैं बस तैयार हूं, वो फर्स्ट चीज मुझे याद है, और तुरंत एकदम एक सेकंड के अंदर डिसीजन लेना पड़ सकता है। जैसे अभी देख रहे हो ना, जाना उधर ही है, और यहां पर मैं कहीं उछल के बच भी नहीं सकता हूं, तो क्या किया जाए। दौड़ के आगे कूदने का है, लेकिन उसके आगे क्या है कुछ मुझे दिख रहा नहीं है, तो अब चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा उधर ही। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे आ क्यों नहीं रहे, मियाओ भी कर रहा हूं। हाँ उछलते ही ये सब आने से पहले, वाह ये सब क्रेट्स की वजह से बचा मैं। आगे जाने का कुछ दिख रहा नहीं मुझे, मैं मरा भाई, वो सब अटैक करने वाले मेरे ऊपर, ये गलत बात है, दिखना चाहिए मुझे। मुझे लग रहा है कि उधर ही कुछ होना चाहिए भाई, पक्का उधर ही से जाने का होगा, क्योंकि और कुछ दिख रहा नहीं है फिलहाल। हाँ ठीक है, उधर तो है एक और प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सब कूद कूद के नीचे भी मर गए, खाने की इतनी जल्दबाजी में था ना। ओ इधर भी है, आ जाओ भागे अब मैं फिर से।
B12 ने भी अपना बोझ लाद दिया मेरे ऊपर, मार दिया था मुझे, पता है ऑलमोस्ट मरते मरते बचता हूं मैं। यहां पर भी होंगे, हाँ केज के अंदर बंद है, उस साइड लेके जाना है इन सबको, ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया ना, बस वैसा ही कुछ करना है, क्योंकि वो कंटेनर चाहिए मुझे, वो जो रोल करने वाला है ना उससे ऊपर चढ़ना होगा मुझे, ठीक है। आ जाओ सब इधर आ जाओ, जितने भी मनु सख्स है सब इधर आ जाओ, एक भी छूटना मत, मैं जानबूझ के धीरे धीरे जा रहा था, सारे इधर आ गए, हाँ अरे निकलना, अटक गया था भाई मैं, क्या बोलूं अब, अटक गया था मैं भाई, कंटेनर लेके मैं बाहर जाऊंगा ये सब मुझ पे अटैक नहीं कर देंगे, क्योंकि डोर तो मुझे खुला ही रखना है, बंद भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कंटेनर को लेके बाहर जाना है। अब जो भी ये छोड़ो हटाओ, देख जल्दी करना होगा, वो सबको आने में टाइम लगेगा ना, डोर को अगर लॉक कर देता हूँ तो वहां से मैं जंप कर सकता हूँ, ये देखना होगा पहले। ये सब अपने अपने फट रहे हैं, वाह ये तो अच्छा हो रहा है, हाँ फट जाओ, अच्छा ही है क्योंकि मुझे उस साइड लेके जाना होगा, फटो ना, फट क्यों नहीं रहे कुछ मोटे कुछ छोटे चूहे जैसे लग रहे हैं अभी भी, कुछ भी बोलो। चलो ठीक है, इसको मुझे बाहर लेके जाना होगा, डोर के पास रखूंगा, तुरंत खोलूंगा, बाहर लेके जाऊंगा भाई, ये कर सकता हूं मैं, तुरंत कूदना होगा मुझे, खुल जा डोर जल्दी, थोड़ा जल्दी ऊपर चढ़ना है मुझे, जल्दी से मैक्स जल्दी, हाँ चलो हो गया, काम हो गया अपना, मैं जिंदा हूं। वहां एक मेमोरी रखी हुई है लेकिन उसको मैं लेने नहीं जा सकता भाई, पता नहीं मुझ पे अटैक कर देंगे, अच्छा खासा जा रहा है, ट्रांसीवर इंस्टॉल करने के बाद वो याद को मैं लेते हुए जाऊंगा, फिलहाल अभी यहां से निकलता हूं, ये देख लो उछले यानी कि आ रहे मेरी तरफ, आ जाओ इस साइड से भागूंगा मैं, तुम सब यहीं रहो बस, हाँ इधर ही जाना है ना, ठीक है चलो, टावर तक पहुंच ही गया हूं ऑलमोस्ट, सामने ही बिल्डिंग है लेकिन बिल्डिंग के अंदर पूरा नेस्ट इनका भरा हुआ, तो अभी देखते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है, इसको नीचे किया जाए, इसे क्या हो रहा है, ओहो लिफ्ट नीचे आ रही है, वाह ये ऊपर जाने वाला एलिवेटर नहीं यानी अंडरग्राउंड सिटी से, अरे ये क्या हुआ, सब आने लगे, इन सब से भागना होगा मुझे जब तक एलिवेटर नहीं आ जाता, थप तेरी की, ये क्या बात हुई, मैं अटैक भी नहीं कर सकता, ये ऐसा म्यूजिक देख के डराओ मत, इन सबसे बस मुझे भागना है जब तक, ओ अरे भरे जा रहे हैं, गलत बात है ये, गलत बात है, इन सबसे भागते रहना है मुझे, एलिवेटर थोड़ा जल्दी नीचे आ जा, नीचे आ गया ना, एक और राउंड लगा के आऊंगा नीचे आ जाएगा, आई यस, और भरे ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, अब बस नीचे आ गया, मैं चला अंदर लाइक अ बॉस, अंदर आ चुका है मैक्स, तो लिफ्ट को चालू की जाए इससे पहले मेरी जान चली जाए, निकलो यहां से, टकराए जा रही है सब, हाँ तो ये सिर्फ टावर तक जाने की लिफ्ट है, ऊपर जाने की यानी कि ये पूरे अंडरग्राउंड सिटीज जाने की लिफ्ट वो दूसरी है और वो खराब है, तो उसको ठीक करना होगा तब ऊपर जा सकते हैं। आई होप बस अब रास्ते में कोई झोल नहीं हो, क्योंकि इस लिफ्ट के अंदर भागने की भी जगह नहीं है, पहुंच ही गए ऊपर तक, टावर में ट्रांसीवर फिट करना है और यहां से कट लेना है, जाने में भी उतनी मुश्किल होने वाली है ना, भर भर के जर्क्स आएंगे लेकिन कोई बात नहीं, चलो हैंडल कर लिया जाएगा, ट्रांसीवर लगाना एंटीना में, लगाओ भाई ये रहा, फिट करो और यहां से निकलते हैं जल्दी से, ठीक हो गया ना टावर, पूरे शहर से बात करेगा मोमो, फुल लाइट्स वाइट्स जल रही है भाई, हर जगह जल गई लाइट्स, ठीक है सारी लाइट्स जलते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है ये भी देख लो भाई, इतनी मेहनत से पहुंचा भी तो है मैक्स, हो गया बहुत लाइट्स देख लिया, पूरी लाइट्स दिखाई गया पता है, ऊपर तक की लाइट्स दिखी मुझे यकीन हो गया था कि पूरे टावर में लाइट्स आ गई, दिखाने की जरूरत नहीं थी गेम वालों, लेकिन ठीक है चलो थैंक यू, ये भी दिखा दिया, बाल्टी से डायरेक्ट नीचे मैं जा सकता हूं, यानी कि जाने का रास्ता थोड़ा आराम हो गया है, वो मेमोरी नहीं ले पाऊंगा भाई, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहां से B12 को, इसको याद आ रहा है कि ये पूरा शहर एक शेल्टर की तरह बनाया गया था रहने के लिए, और क्या याद आ रहा है भाई, और ये जो स्टार्स नजर आ रहे हैं, जो तारे नजर आ रहे हैं, ये मार्किंग है एयर टाइट रूफ की, शहर को पूरा सील कर दिया गया था, तो इंसानों ने ये शेल्टर बनाया था बाहर से खुद को बचाने के लिए, बाहर कुछ डिजास्टर हो चुका है ओके, और कुछ बहुत ही डेंजरस हो रहा है, एलियन अटैक या पता नहीं क्या हुआ था, जो भी हुआ होगा, लेकिन B12 बोल रहा है कि तुम बाहर से आए हो
यानी कि अब सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल हो गया होगा। B12L ने वादा किया था कि ये पूरे शहर को खोल देगा। इसको याद नहीं आ रहा कि कुछ मेमोरीज क्यों आ रही है, कुछ मेमोरीज क्यों नहीं आ रही है। मोमो के पास चल के बताते हैं उसको कि ट्रांसमीटर लगा दिया है। चलो ठीक है, बाल्टी से होके जाना है ना B12L। हाँ तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई है कि इंसानों ने ये शेल्टर बनाया था, ये पूरी सिटी बनाई थी अंडरग्राउंड सिटी, कि बाहर से वो लोग खुद को बचा सके, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा बहुत बुरा हो रहा था जिससे वो लोग बाहर मतलब नहीं जाना चाहते थे। और ये इंसान मर कैसे गया, आई थिंक जर्क्स ने खा लिया होगा भाई इंसानों को, या पता नहीं क्या हुआ, वो अभी आगे गेम खेलेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल मोमो के पास आ गए हैं, मोमो बताएगा कि बाहर कैसे जाना है। अपने दोस्तों से बात कर भाई और उनसे पूछ कि वो लोग बाहर कैसे गए या कहां गए वो सब। द स्लम्स पार्ट 2। आधा गेम मैंने पार कर दिया भाई, यहाँ पे आधा गेम खत्म हो गया है, आधा और बचा है। आउटसाइडर्स लिखा है इसके ऊपर। अच्छा एक नोट छोड़ के गया मोमो, क्या लिखा हुआ है? बार में बैठा हुआ मोमो और वहां पे जो एंटीना लगा उसका एडवांटेज ले रहा है, वहां पे जाके मिलना उससे। खिड़की को लॉक करके कोड लगा दिया और कोड ये है। ये क्या कोड है भाई, कुछ समझ में आया? B12L बताओ, बार में मिलना उससे जाके, लेकिन खिड़की खोली कैसे जाए? तेरे को कोड समझ में आया भाई? मेरे को समझ में नहीं आया, खोल के देख। मुझे नहीं याद है। गलत, क्या गलत किया B12L? फिर से ट्राई कर, इस बार सही हो गया। पता नहीं वो क्या था भाई, इतना बड़ा कोड। तो बार में इंतजार कर रहा है मोमो, चलो वहां चला जाए। आजा B12L, बाल्टी से नीचे। बार तो आई थिंक नीचे ही होना चाहिए, डायरेक्शन बताया नहीं है कि बार की। हाँ ये तो नीचे बार लिखा हुआ है शायद, शायद आई थिंक बार ही। हाँ ये तो रहा मोमो, ये टोपी वाला मोमो ही है ना, लग तो ऐसा ही रहा है। और ये बारी लिखा हुआ आई थिंक, हाँ ये बारी है। मोमो में आ गया, काम हो गया मोमो, अब बता क्या करना आगे। इसको सिग्नल मिल गया, चलो ठीक है। तो सारी मेहनत मैंने की, अरे अरे किसे टकरा रहा है भाई, सारे रोबोट्स बार में बैठ के कर क्या रहे, पी रहे ये चल क्या रहा है? अच्छा बैठने बोल रहा है, ठीक है मैं भी बैठ जाता हूँ भाई, जब रोबोट्स पी सकते हैं बैठ के तो मैं कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकता। गाना भी बज रहा है बार में, इंजॉय कर रहे हैं रोबोट्स। चलो ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, देखते हैं भाई ये क्या काम कर रहा है। ये क्या है, ये जो पुराना वाला गेम नहीं आता था वैसा ही लग रहा है, पता नहीं कुछ टाइप। ओह सिग्नल भेज रहा है। अच्छा इसका दोस्त है, इसका दोस्त मैसेज कर रहा है। हाँ इसका दोस्त था ज़ल्बर्ट अज़ार, पता नहीं अजीब टाइप का नाम वाला। मोमो खुश हो गया अपनी दोस्त की आवाज सुन के, पूछा बाकी सब कहाँ हैं? सब सेफ हैं और इनको रास्ता मिल गया ऊपर जाने का। तो क्या रास्ता है बताएगा, बताना भाई। सीवर से जाना, गटर से जाना होगा, लेकिन बहुत खतरनाक है, जर्क्स फैले हुए वहां पे। और सिग्नल चला गया आई थिंक, कैसे जाना था सीवर से कुछ बताया नहीं। वाह पर चलो ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन रिवील कर दी भाई ने, वो जिंदा है और बाहर भी निकल गया है। सीवर सबसे खतरनाक इलाका है स्लम्स का, ठीक है वहीं से लेकिन जाना होगा। जग्स वहां पूरे फैले होंगे, लेकिन वहां से जाए कैसे जाए? अब ये कौन है बोल रहा है कि सीवर से मैं कभी नहीं जा पाऊंगा, जग्स वहां पूरे फैले हुए हैं और मेरा नाश्ता बना लेंगे, ठीक है। ये मेरी चिंता कर रहा है या मेरी चिता जला रहा है? भाई तू अच्छा आदमी या बुरा आदमी, सीमस जो भी है, लेकिन बकवास एडवाइस दिए भाई, डरा के चला गया मनुष्य। जेकब ये बारटेंडर है। अच्छा इसके पापा डॉग थे, ओहो, और उसने वेपन बनाया था डॉग ने, याद है अभी नोट पढ़ा था हमने, और वो अपना वेपन टेस्ट करने गए थे और कभी लौटे ही नहीं, इसलिए सीमस ऐसा हो गया है। तो अगर इसके फादर को ढूंढ दे या फिर उनका नोट दिखाए तो काम हो सकता है। मोमो बोल रहा है कि अगर डॉक ने वेपन बनाया तो वो हमारा टिकट हो सकता है बाहर जाने का। डॉक ने एक सीक्रेट लैब को मेंशन किया अपने नोटबुक में, तो डॉक के बेटे के अपार्टमेंट में शायद कोई क्लू मिले। तो चलो इसको फॉलो करना है, लेकिन इसको फॉलो करेंगे भाई अपन नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज के गेम में हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। आई थिंक मैंने 50% गेम खत्म कर दिया है और बाकी का बचा हुआ गेम भाई नेक्स्ट एपिसोड में खत्म हो जाएगा। तो ये गेम खेल के सच में बहुत मजा आया, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा। और जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। मैं मिलूंगा मैक्स के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।